आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में राकांपा और सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष में पुणे में दुर्लभ दृश्य देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार के साथ मंच साझा किया और लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में राकांपा प्रमुख द्वारा सम्मानित किया गया। उन्होंने पुरस्कार राशि समर्पित की। आज पुणे में आप सबके बीच मुझे जो सम्मान मिला है, ये मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव है। जब कोई अवार्ड मिलता है तो उसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। मैं लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों के चरणों में समर्पित करता हूं। अंग्रेजों ने रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाने के लिए अहमदाबाद में 1897 में विक्टोरिया गार्डन का निर्माण किया था, यानी ब्रिटिश महारानी के नाम पर बने पार्क में उनकी छाती पर सरदार पटेल ने इतने बड़े क्रांतिकारी लोकमान्य तिलक की मूर्ति लगाने का फैसला कर लिया। और उस समय सरदार साहब पर इसके खिलाफ कितना ही दबाव पड़ा, उन्हें रोकने की कोशिश हुई, लेकिन सरदार तो सरदार थे। सरदार ने कह दिया वो अपना पद छोड़ देना पसंद करेंगे, लेकिन मूर्ति तो वहीं पर लगेगी। अब वो मूर्ति बनी और 1929 में उसका लोकार्पण महात्मा गांधी ने किया। सरदार साहब ने अपने देश के सपूत के सम्मान में पूरी अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे दी थी। और आज की स्थिति देखिए, अगर आज हम किसी एक सड़क का नाम भी किसी विदेशी आक्रांता की जगह कर बदलकर भारतीय विभूति पर रखते हैं तो कुछ लोग उस पर हल्ला मचाने लग जाते हैं। या देशाने आणि या देशाच्या जवानांना देशाचं रक्षण करण्यासाठी एक प्रकारचं सर्जिकल स्ट्राईक केलेलं होतं। सर्जिकल स्ट्राईकची चर्चा आता होते, पण लालबहादूरमध्ये शाहिस्तेखानी ताबा घेण्याचा प्रयत्न केल्याच्या नंतर या देशाचा पहिला सर्जिकल स्ट्राईक हा शिवछत्रपतींच्या काळामध्ये झाला, ही गोष्ट आपण कधी विसरू शकत नाहीये। प्रसिद्ध तिरुपती लड्डू